देखो आज जो हम लोग हैं वो 5.3 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बट 5.3 क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग को पहले 5.1 और 5.2 क्वेश्चंस को आना चाहिए। तो 5.1 और 5.2 क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पीछे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप 5.3 क्वेश्चंस को देखिए। चलो हम लोग पहले फर्स्ट नंबर सम को देख लेते हैं। इस सम को तुम कैसे सॉल्व करो, क्या बोल रहे हैं यहां पर? a = b, c = d होने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bd अनुपात ac माइनस bd। तो देखो ये आपका है LHS है, ये आपका ये वाला है LHS है और ये आपका है RHS है। तो दोनों को इक्वल करना है, LHS है और RHS है दोनों ही क्या है इक्वल है। तो इसको करने से पहले क्या करो, देखो इसको करने से पहले इसका वैल्यू को तुम निकालो। तो देखो यहां पर देखो a बाई b एंड c बाई b। अब यहां पर लिखो यहां k कॉन्स्टेंट है, या हिंदी में लिख सकते हो स्थिरांक है। यहां पर k क्या है? स्थिरांक है। यहां पर k स्थिरांक है। तो देखो यहां पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू होगा k से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा a का वैल्यू b के यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए। सेम देखो c का वैल्यू निकाल दो तो क्या होता है d के। अब देखो यहां पर जो LHS साइड है उसको कॉपी करो, तो लिखो यहां पर LHS साइड, तो क्या लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो यहां पे a का वैल्यू क्या है तो आप निकालोगे b के, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे b स्क्वायर k स्क्वायर, a पर स्क्वायर है और a का वैल्यू क्या है b के, तो दोनों पर ही स्क्वायर होगा। जैसे देखो यहां पर हम लोग a के जगह पे क्या लिखते हैं b के लिखते और ऐसे रहता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर भी है स्क्वायर स्क्वायर भी है, इसीलिए मैंने क्या किया b स्क्वायर k स्क्वायर। b का वैल्यू कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, यहां पर लिखोगे b स्क्वायर। सिर्फ a स्क्वायर का वैल्यू क्या है b स्क्वायर k स्क्वायर, सिर्फ यहां पर माइनस k स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कॉमन आपका दिया हुआ है b स्क्वायर, यहां पर लिख लो b स्क्वायर। तो बचा था यहां पर, यहां बचा k स्क्वायर और यहां बचा ऊपर, सिर्फ इस पे देखो क्या कॉमन है b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ऊपर, यहां b स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका LHS साइड का है a स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर माइनस 1। अब ठीक उसी तरह आप RHS साइड का वैल्यू को भी निकाल लो। तो देखो RHS साइड में दिया हुआ AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD, यहां पर लिखो RHS, RHS AC प्लस BD AC माइनस BD। तो देखो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है BK, यहां पर लिखो BK। फिर C का वैल्यू क्या दिया हुआ है BK, यहां पर लिखो BK। B और D का वैल्यू नहीं दिया हुआ है B और D को सेम लिख लो। फिर यहां पर देखो A का वैल्यू क्या है BK और C का वैल्यू क्या है DK, B और D का वैल्यू नहीं दिया हुआ जो नहीं दिया उसको एडिटिव लिख लो, तो B और D। अब देखो यहां पर भी BD है, यहां पर भी है आपका BD, तो दोनों को कॉमन ले लो B और D। अब देखो यहां पर K और K क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो K और K क्या होगा K स्क्वायर, यहां पर लिखो K स्क्वायर। यहां पर कुछ नहीं बचा तो बचे का होगा, सेम यहां पर देखो BD यहां पर भी है BD यहां पर भी है, तो BD को कॉमन ले लो, क्या बचेगा K स्क्वायर माइनस 1, तो BD और BD कैंसिल। अब क्या देख पा रहे हो कि जो हम लोग LHS साइड के फाइंड किए हैं तो ये आपका बचा था और RHS साइड में देखो ये बचा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS साइड RHS साइड इक्वल हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। नंबर नंबर सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अब लोग टू नंबर सम को देख, तो देखो टू नंबर सम में क्या हो रहा है, टू नंबर सम में आपका बोल रहा है LHS साइड में, तो मैं यहां LHS साइड में ले रहा हूं और LHS साइड में क्या बोल रहा है देखो a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर अनुपात यानी कि रेशियो दिया हुआ आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो आप क्या करना है जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है। देखो a का वैल्यू क्या है यहां पर, a का वैल्यू दिया हुआ
के स्क्वायर प्लस ए प्लस दो, ए का वैल्यू क्या है बी के, और यहाँ बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करोगे बी लिख दो। फिर देखो यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देख पाओ तो नीचे इसका वैल्यू ले लो, हमने सी का वैल्यू दिया हुआ है और ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करोगे बी स्क्वायर को एडिटिव लिख दो। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है बी के, यहाँ पर लिखोगे बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू क्या है बी के, यहाँ पर लिखो बी के और बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर लिखो बी। सेम देखो बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर लिखो बी स्क्वायर, तो अब क्या करोगे देखो यहाँ पर बी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर एक और लिखो बी स्क्वायर के स्क्वायर बी और बी को इंटू करो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के और यहाँ पर था बी स्क्वायर, से यहाँ पर इसको भी कर लो बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बी और बी को इंटू करो तो क्या होगा बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम एक चीज क्या देख पा रहे हैं इस इसमें 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 सब में बी आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा के स्क्वायर, यहां से बचेगा के और यहां से बचेगा कुछ नहीं तो वन। सेम इसमें देखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो यहां क्या बचेगा के स्क्वायर, यहां बचेगा के और यहां बचेगा वन। तो देखो बी स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा आपका के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर प्लस के प्लस वन और डिवाइडेड के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, तो ये एलएचएस सेट का आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करोगे आरएचएस सेट को सॉल्व करो, आरएचएस सेट को मैं यहां पर सॉल्व करो, तो आरएचएस सेट में क्या दिया हुआ था सी स्क्वायर सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब बस वैल्यू को पुट करते चलो, तो देखो यहां पर ए का वैल्यू यहां पर क्या है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या है डी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर सी का वैल्यू क्या देखो यहाँ पर सी का वैल्यू दिया हुआ डी के तो डी के लिखे यहाँ पर प्लस डी और डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर डी स्क्वायर एडिटिव लिख लो। सेम यहाँ पर देखो सी का वैल्यू क्या है डी के यानी कि डी स्क्वायर के स्क्वायर सी का वैल्यू फिर लिखना आपको डी के यहाँ पर देखो डी के और डी हो गया डी स्क्वायर। तो सेम अब देखो हम डायरेक्ट कॉमन हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे क्या लिख लेगा देखो यहाँ पर डी और डी को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है तो इसमें भी डी स्क्वायर है इसमें भी डी स्क्वायर है और इसमें भी डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर को कॉमन लो क्या बचेगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर के स्क्वायर होगा ठीक है तो यहाँ पर लिखो के स्क्वायर प्लस के और यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि डी स्क्वायर कॉमन ले लिया है यहाँ क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पर से d और d को इंटू करेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो इसमें भी d स्क्वायर इसमें भी d स्क्वायर इसमें भी d स्क्वायर तो कॉमन ले लो d स्क्वायर क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 तो d स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल। तो देखो RHS सेट में सेम वही चीज आया जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सो LHS सेट RHS साइड प्रूव। नेक्स्ट और वो थर्ड नंबर सम्स को देखते हैं, तो थर्ड नंबर सम्स क्या बोल रहा है थर्ड नंबर सम्स आपका बोल रहा है LHS साइड में रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड रूट बी स्क्वायर प्लस तो देखो ए का वैल्यू क्या था आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है ए का वैल्यू था यहाँ पर बी के और सी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर डी के, तो यहाँ पर ए का वैल्यू प्रूव कर लो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या है तो वो डी यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर रूट ओवर। सेम यहाँ पर क्या होगा डी का वैल्यू भी दिया हुआ है और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है तो जो जैसे है स्क्वायर। अब इसमें एक चीज क्या देख पा रहे हो तुम इसमें भी के स्क्वायर है और इसमें भी के स्क्वायर है तो
दोनों केस पर ही है, तो इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन जब लोगों को यहां तो की हो जाएगा, इसका रीजन क्या है मैं बोल देगा, पहले इसको ले लो। यहां क्या बचा था बी स्क्वायर, और यहां क्या बचा प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहां पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर रूट ओवर। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो का जोड़ा, यानी कि यहां पर रूट के अंदर में यदि k है और q है तो हम लोग रूट से बाहर क्या करेंगे, एक ही k को निकालेंगे। सिर्फ देखो यहां पर 2 है और 2 है तो यहां पे क्या होगा 2 निकलेगा। तो सेम हम लोग यहां पर भी वही काम किए, k स्क्वायर का तो जब k स्क्वायर कॉमन लिए तो रूट से क्या हुआ आपका ओनली k निकला। अब देखो b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हो गए तो बचा क्या यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ओनली k। सिर्फ हम लोग आरएच सेट कर लेते हैं, तो देखो यहां पर आरएच सेट में क्या दिया हुआ है, आरएच सेट में आपका दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू सी डिवाइडेड पी बी प्लस क्यू डी। तो देखो यहां पर पी का वैल्यू कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिया हुआ है, यहां पी को लिख लो। और ए का वैल्यू क्या है यहां पर बी के, यहां पर लिख लो बी के। प्लस क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्यू लिख लो, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है बी के। सिर्फ इसका वैल्यू भी लिख लो, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी यहां पर नहीं दिया हुआ है। प्लस क्यू और डी का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, यहां पर लिख लो क्यू क्यू और डी। तो अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहां पर क्या क्यू डी है और यहां पर भी क्या रखा है पी डी है, ठीक है। और यहां पर क्या करो, यहां पर भी के है और यहां पर भी के है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका के। यहां से क्या बचा आपका, यहां से आपका बचा पी डी और यहां से क्या बचा आपका क्यू डी डिवाइडेड पी डी प्लस क्यू डी। तो पी डी प्लस क्यू डी से कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहां पर के। तो एलएचएस साइड से जब किया है आरएचएस साइड से भी आपका के आ गया, यहां पर ले सकते हैं हम लोग एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से हम लोग एक का तीन नंबर सम पूरा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे टू से सम्स को देखते हैं। तो देखो नंबर टू में क्या दिया हुआ है आपका एस अनुपात ए इज इक्वल टू वाई अनुपात बी इज इक्वल टू जेड अनुपात सी होने से तो एलएचएस आरएचएस का मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले आप क्या करोगे इन सभी का मान पहले निकालोगे, यहां पे देखो एक्स पर ए वाई पर बी जेड पर सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू के। और के क्या है यहां पर स्थिरांक है, के क्या है यहां पर स्थिरांक है, यहां पर कोई यहां पर के स्थिरांक है। तो देखो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा यानी तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा a के। सेम y का वैल्यू क्या होगा b के, और z का वैल्यू क्या होगा तिरछा गुणा करना है तो c के। तो आप वन नंबर सम्स को देखो आप कैसे करना है, वन नंबर सम्स को देखो एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपका एस क्यू डिवाइडेड ए स्क्वायर वाई क्यू डिवाइडेड बी स्क्वायर जेड क्यू डिवाइडेड सी स्क्वायर। तो देखो इस सम को तुम दो प्रोसेस से कर सकते हो, पहला प्रोसेस ये है कि ये तीनों का पहले एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसका डायरेक्ट वैल्यू को बैठा के भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बैठा के कर रहा हूं। तो देखो एक्स क्यू का वैल्यू क्या है ए के, यानी कि ए पर भी क्यू होगा और के पर भी क्यू होगा, यहां पे क्या आता है ए स्क्वायर। फिर यहां पर देखो वाई का वैल्यू क्या है बी क्यू के क्यू, यहां पे क्या होगा बी स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आपका जेड क्यू, तो जेड का वैल्यू क्या है सी क्यू के क्यू डिवाइडेड सी स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या करना है ए स्क्वायर से ए क्यू को कैंसिल करो तो यहां बचेगा ए, से बी स्क्वायर से बी क्यू को कैंसिल
सी स्क्वायर से सी क्यूब को कैंसिल करो बचेगा सी। तो अब देखो यहां पर देखो इस प्रोसेस से क्या क्या बचा, यहां बचा रहा था ए के क्यू बी के क्यू सी के क्यू, तो तीनों में के क्यू जो है वो आपका प्रेजेंट है, यानी इसको के को कॉमन दो, के क्यू को कॉमन दे दो। यहां क्या बचा था ए, यहां क्या बचा था बी, यहां क्या बचा सी। सेम उसी तरह से हम लोग आरएचएस सेल को भी प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आरएचएस सेल में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर के का एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए के, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है बी के, और जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है सी के का होल क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख लिया। अब देखो सबसे कॉमन का देख पाओ, इसमें भी के है, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो जो तीनों में आपका कॉमन है, जो तीनों में प्रेजेंट है उसको आप कॉमन लेंगे। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनली यहाँ पर के को कॉमन लेंगे और के ही लिखेंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पर देख क्या पा रहे कि सब पर होल क्यूब है, तो इस पर भी क्या होगा के क्यूब होगा। बात को समझ लीजिए आपको, तो बात को समझ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा था ए, यहाँ क्या बच रहा है बी, और यहाँ क्या बच रहा है सी का होल क्यूब, और यहाँ पर से ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से क्यूब को काटेंगे तो आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका रह, देखो कैंसिल करने के बाद इस क्यूब को थ्री से कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको लिख लो के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। तो आरएचएस साइड में आपका ये आया और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चीज आया था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस रूल। तो वन नंबर सम को देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे टू नंबर सम को देखते हैं। तो देखो सेकंड नंबर सम क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर सम आपका बोल रहा है कि एक्स क्यूब यानी कि आपका एलएचएस साइड में एक्स क्यूब डिवाइडेड ए क्यूब y प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू। तो बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करते हुए चलना है। देखो यहां पर x का वैल्यू क्या है a के, क्या होगा यहां पर a क्यू k क्यू। सेम यहां पर देखो y का वैल्यू क्या है b के, यानी कि b क्यू k क्यू। सेम यहां पर देखो z का वैल्यू क्या है c क्यू k क्यू। और यहां देखो ए बी सी, यहां पर सी होगा तो ए बी सी, यानी कि ए बी सी का मान नहीं दिया होगा, बस ए बी सी को एल वन लिख लो। यहां से क्या देख पा रहे हो, यहां पर के 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 तीनों में क्या है के कॉमन है, जब के कॉमन है क्या कर लो कॉमन ले लो। यहां क्या बच रहा है ए क्यू, यहां क्या बच रहा है बी क्यू, और यहां क्या बच रहा है सी क्यू, इसको एडिटिवल लिख लो ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो देखो सेम है इसको काटना, यहां क्या बचा आपका के क्यू, तो आपका एलएचएस साइड में के क्यू बचा होता है। सेम अब आरएचएस साइड में लिख लो सॉल्व कर लो। देखो आरएचएस साइड में क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड डिवाइडेड ए बी सी। तो देखो यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए के, y का वैल्यू दिया हुआ है b के, और z का वैल्यू दिया हुआ है c के। इसको सिर्फ एड करके लिख दो। तो देखो यहां पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, ये और ये तीनों आपका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर वो क्या मिलेगा a b c k k k, यानी तीन के हो रहा है तो k क्यूब हो गया। अब यहां पर देखो ए बी सी ऑलरेडी था, तो ए बी सी और ए बी सी को कैंसिल करो, यहां पर क्या मिल गया हमको के क्यू। यहां से क्या सीख पाए कि आपका एलएचएस साइड में भी के क्यू है और आरएचएस साइड में भी के क्यू है। यहां हम लिख सकते हैं एलएचएस साइड
इक्वल टू एलएचएस साइड टू। नेक्स्ट अब थर्ड नंबर सम्स को देखो, तो देखो थर्ड नंबर सम्स को कैसे सॉल्व करो। थर्ड नंबर सम्स के पहले एलएचएस साइड को देखो, तो एलएचएस साइड में क्या लिया देखो, यहां दिया हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो जिसका वैल्यू दिया हुआ उसका पहले वैल्यू को पुट कर लो। तो देखो इसका तो कहीं वैल्यू नहीं दिया हुआ, ए का बी का सी का कहीं भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको एड मत लिख लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है ए या ए स्क्वायर के स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या है बी के बी स्क्वायर के स्क्वायर, और जेड का वैल्यू क्या है जेड का वैल्यू दिया हुआ सी के क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखो इसमें तो कोई आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें देखो इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है। तो जब तीनों में के स्क्वायर है भैया तो क्या करोगे तीनों में से कॉमन ले लोगे। तो देखो के को कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन हो गया, ये जैसे है इसको ऐसे ही लिख लो। और यहां पर क्या बचा है, यहां से तो के बचेगा क्योंकि आप के को बाहर कर दिए हो, सिर्फ इसके लिए देखो बी बचेगा और इसके लिए आपका सी बचेगा। क्यों? क्योंकि आप के को कॉमन ले चुके हो। अब देखो ये वाला सेम है, ये भी सेम है, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, तो इसको क्या करो देखो दोनों को एक पे कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एलएचएस साइड। सेम उसी तरह से आप आरएचएस साइड को भी प्रूव कर लो। तो आरएचएस साइड क्या दिया देखो, ए एक्स बी वाई सी जेड का होल स्क्वायर। तो देखो ए का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है बट वाई का वैल्यू दिया हुआ है बी के, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है सी के का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बस ए को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया ए स्क्वायर के, बी को मल्टीप्लाई कर लो बी स्क्वायर के, सी को मल्टीप्लाई कर लो सी स्क्वायर। तो देखो आप तीनों में क्या लिख पा रहे हो, इसमें भी के है इसमें भी के है और इसमें भी के है, के को कॉमन ले लो। तो कॉमन लेते हैं देखो इसको भी ए स्क्वायर होगा, रीजन क्या है कि देखो ये ब्रैकेट में जो भी आपका अल्फाबेट दिया हुआ है जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है ये सब पर स्क्वायर है, तो जो आप कॉमन ले लो जो आप कॉमन लोगे उस पे भी क्या होगा ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या बचा ए स्क्वायर, यहां से क्या बचा ए स्क्वायर, और यहां से बचा आपका सी स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम हुआ, तो आप लिख सकते हो एल एच एस साइन इज इक्वल टू एल एच एस साइन रूट। चलो अब थर्ड नंबर सम्स को देखते हैं, यानी टू के सारे सम्स को नोट कर लिए, अब लोग थर्ड नंबर सम्स को देखते हैं। तो देखो थर्ड में सम्स में आपको क्या क्या बोला है, थर्ड नंबर सम्स में आपका क्या बोला है, बोले कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात बी इज इक्वल टू ए अनुपात एफ होने से नंबर वन और नंबर टू सम्स को सॉल्व करो। लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या करना आपको मालूम ही है, सबसे पहले आपको इसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो देखो मान कैसे निकालेंगे, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू के, और यहां पर के क्या है स्थिरांक है, ये के क्या है यहां पर कांस्टेंट है, यहां लिखो यहां के स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट है। तो देखो अब एलएचएस साइड में क्या दिया हुआ है, एलएचएस साइड में क्या दिया हुआ है, सॉरी नंबर वन में क्या बोल रहा है, नंबर वन में बोल रहा है फाइव ए माइनस सेवन सी माइनस थर्टीन ई डिवाइडेड फाइव डी सेवन डी थर्टी एफ। तो देखो ए का वैल्यू आपको कह दिया है क्या, तो देखो अच्छा पहले वैल्यू निकालो, तो ए का वैल्यू क्या होगा बाई कॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बी के, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा डी के, और ई का वैल्यू क्या होगा
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एफ। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी के, यहाँ पर लिख लो बी के, माइनस सी का वैल्यू लिखना है तो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है डी के, माइनस 30। टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ के, यहाँ पर लिखो एफ के। डी का वैल्यू कहीं भी देख लो नहीं दिया हुआ है, डी का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है और एफ का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर एक चीज आप फॉलो करो, फॉलो करो तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं और इसमें लिखते हैं और तो कोई कॉमन है नहीं, तो बस ये को ही आप कॉमन ले लो। तो देखो यहां पर क्या बच रहा है आपका फाइव बी, यहां क्या बचेगा 70 और यहां क्या बचेगा आपका 30f डिवाइडेड। अच्छा यहां पर ब्रैकेट क्लोज करो, तो देखो यहां पर जैसे है सिर्फ उसी को लिख लो 5b माइनस 70 माइनस 30f। तो देखो ऊपर वाला और नीचे वाला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के बाद में क्या बचा है आपका, ओनली k बचा है, k इसका आंसर हो गया, k इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब सेकंड नंबर सब को देखो, तो देखो सेकंड नंबर के एलएचएस सेट में क्या बोलता है, सेकंड नंबर के एलएचएस सेट का क्या बोलता है a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो देखो जिसका जिसका वैल्यू मिलेगा सबसे पहले उस वैल्यू क्या करना है अपने शिफ्ट पर उसको बैठा देना है, नहीं तो वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो क्या करोगे यहां पर, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी के, यहां पर लिखो बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है डी के यानी कि डी स्क्वायर के स्क्वायर और ई का वैल्यू क्या है एफ के यानी कि एफ स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो डी डी और एफ यहाँ पर देख पाओ क्या कि कोई भी इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं, तो जो वैल्यू है उसी को पुट कर लो, ये जैसे है इसको ऐसे ही पुट कर लो। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है के स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन क्या है के स्क्वायर, यहाँ पर क्या है के स्क्वायर, तो तीनों में यहाँ पर के स्क्वायर है बस के स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या हो गया के स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पर जैसे था वैसे इसको हम लोग एक बार और लिख लेंगे। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या है सेम है, तो सेम है क्या करो दोनों को एक जगह पर लिख लो के स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर जो है क्योंकि देखो ये दो टाइम्स है दो बार आपका दिया है, जब दो बार दिया गया क्या इसको होल स्क्वायर कर लोगे। तो अब देखो अब यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व कर लो, देखो आरएचएस के लिए दिया हुआ है, आरएचएस आपका दिया हुआ है ए बी सी बी ई एफ का होल स्क्वायर। तो देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है पुट कर लो, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है बी के और बी और रेडी का यहाँ पर, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है डी के तो डी के लिखे और यहाँ पर देखो डी का वैल्यू कहीं पर दिया नहीं है तो जैसे ऐसे डी दिया हुआ है कर लो, e का वैल्यू आपका क्या है f के, यहाँ पर f के लिए तो का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे देखो b और d मिल रहे हैं तो b स्क्वायर हो गया d और d b स्क्वायर के f f f स्क्वायर k ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है तो बस a को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया k स्क्वायर, आप सोच लो k स्क्वायर कहां से आ गया। तो देखो k स्क्वायर देखो यहां पर होल स्क्वायर है, सब पर अपना स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर क्या है इसीलिए स्क्वायर क्या है k पर ही आएगा, बचा क्या रहेगा यहां पर b स्क्वायर, यहां बचा आपका d स्क्वायर और यहां क्या बचा आपका f स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये जो आपका आया सेम आपका एलएचएस सेट में भी वही आया हुआ था, तो एलएचएस पर आया
सेम आ गया, तो आप यहां पे लिख सकते हो LHS is equal to RHS 2. तो देखो आज बस इतना ही, एक से लेके हम लोग ने तीन नंबर तक के सम्स को सभी को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4, 5 और 6 के सम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कोई गलती समझ में आ रही है और क्या इंप्रूवमेंट करना है अपने लाइक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक आप लोग सही से रहें।